ओम शांति। कहा जाता है कायदा में फायदा, हम अगर कायदे में रहेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। माना श्रीमत पर अगर हम चलेंगे, मनमत मिक्स नहीं करेंगे तो दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। हम अगर खुद नहीं करेंगे और दूसरों को कहते रहेंगे तो पंडित समान हो गया ना। इसलिए कहा जाता है जो कर्म हम करेंगे हमको देकर और करेंगे। अगर हम खुद अच्छे कर्म करेंगे तो हमको देखकर भी दूसरे करेंगे, कहना नहीं पड़ेगा ऐसे करो। तो परमात्मा आकर के हम सभी को ये श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत में अगर हम चलेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर हम श्रीमत में नहीं चलेंगे तो माया कान पकड़कर घसटते ले जाएगा, अपनी तरफ खींच ले जाएगा, जिससे हमको दुख अशांति सब मिलेगा। इसलिए परमात्मा का ये महावाक्य है कि बच्चे देह सहित देह के सब सर्व संबंधों को तोड़ मुझे ही याद करो और श्रीमत पर चलो। बाबा को याद करके, परमात्मा को याद करके सभी को परमात्मा का याद दिलाओ। आज हम सुनेंगे 16 तारीख के महावाक्य, 16 जनवरी 2021 की ये साकार महावाक्य है। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। यह आँखें बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। आज का प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है, यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? बाबा का उत्तर है, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते, ऐसे गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्त नट पेनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो है जिनकी बुद्धि में झरमुई झगमुई माना परचिंतन की बातें रहती है। यह बहुत खराब आदत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, यह बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, और यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सोतो प्रधान थे, फिर सोतो रोजो तोमो में आए, अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती है, बहुत संभाल कर चलना होता है। बाबा ने समझाया है, ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होती याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप के कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। ध्यान की तो कोई इच्छा भी नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या, तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले
नरक में गिर जाए। गायन भी है, गच को ग्राह ने खाया, बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं, डीटी बनते बनते डेबिल बन जाते हैं। इसलिए इन मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारा उतरती कला हुई है। कहाँ से एकदम कहाँ पहुँच गए हैं, एकदम नीचे पहुँच गए हैं। अब भी श्रीमत पर न चले, बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट बन जाएंगे। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं को एक कमेटी बनाई, इन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियाँ ट्रस्टवर्दी माने विश्वास पात्र होती है। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती है। पद्मापदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वह भी माया से हार खाए दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं। उसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मारते हैं, यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए। गोया दिवाला मार दिया ना, बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपने मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा, वह तो दिवाला मारते हैं फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यह तो 84 जन्मों के लिए दिवाला मार देते हैं, फिर ऊंच पद पा न सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है। यहाँ ऊंच पद तो बहुत हैं, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है, अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना है, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाबा से बुद्धियोग रखो, जिससे ही सोतो प्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कोई हैं, शुरू में कितनी ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए फिर आज कहाँ है, गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं, हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूँ, इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ स्वर्ग से, मेहनत है। अगर यह लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धियोग एक बाप के साथ होना चाहिए, पुरानी दुनिया से वैराग्य। अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाए यह तो ठीक है, भला याद किसको करें,
शांति धाम सुख धाम को जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो। यह तो बिल्कुल सहज है, अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पथ भ्रष्ट हो पड़ते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए, सबको कहते हो तुमो प्रधान से सोतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट पाना, नर से स्वर्ग फिर स्वर्ग से नर, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो हमने कितना बारी यह चक्र लगाया है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते हैं। यह ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाए, पवित्र भी हैं, इसलिए उनको निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते हैं क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर जाते हो। माया गिराती है ना, बाप डीटी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के हवाले में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन गए फिर भूल क्यों जाते, इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही पवित्र बनना है, नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन उच्च पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ न कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर, फिर पद भल कैसा भी पाए परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए, फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना, फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ मेहनतर हूँ। पिछाड़ी में तुमको साफ साक्षात्कार होगा, हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसे हालत हुई है। मैं महारथी क्यों नहीं बनी, कदम कदम पर खबरदार से चलने से तुम पद्मापति बन सकते हो, खबरदारी नहीं तो पद्मापति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पद्मपति की निशानी दिखाते हैं, फर्क तो समझ सकते हैं ना, दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाट रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते हैं यह ऊंच पद पाना है जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ करना है, हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं। कहेंगे यह देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है, महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं, इसलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। किस प्रकार से, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग
दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहें, नॉलेज भूल जाएं। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उसमें रहती है। तुम बच्चों में यह नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूँगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊँगा तो और भी दुर्गति को पा लेंगे। मैं निमित्त बन जाऊँगा औरों को भी गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट बार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाता है। बहुत बच्चे भूले करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्तनाटे पेनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए, अहंकार आने से माया बहुत विकर्म कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड एक दो फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनके राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना, गायन भी है। अमृत मिलती थी तो असुर भी बैठ पीते थे, फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं, सारा दिन बुद्धि में झरमुई छगमुई की बातें रहती है, माना पर चिंतन करते रहते हैं, यह बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो, सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो। सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं, बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया तो अंतर्यामी है। बाप कहते नहीं हैं मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं। हाँ, यह जानते हैं कि यह सब मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं, बाप सब में विराजमान है, परंतु उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है, यह तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूलकर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकज भूल, जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वालों को तुम गाली देते हो, इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है, नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की कोई बात नहीं, भूख तो कोई मर न सके। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाप ने समझाया है ज्ञान और भक्ति के बात है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अनेकों को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही है। अच्छा, मीठे मीठे शिकलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है पहला पॉइंट, धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर पॉइंट, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन न हो। दूसरा पॉइंट है अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। आज का वरदान है सोमन की सीट पर स्थित रह,
माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। वरदान का विस्तार है, संगम योग का सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं, अगर स्वयं सीट पर नहीं है तो उसका ऑर्डर कोई भी नहीं मानेंगे। ऐसे आप भी स्वमानधारी बन अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहो। आज का स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति में रह। दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। 18 जनवरी निमित्त ब्रह्मा बाब के 18 कदम आज है 16 नंबर पॉइंट। सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्ध स्वरूप ब्रह्मा बाब ने सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया। इसी स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा बाप के उनके समान बने, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। मस्तक मणि द्वारा सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराओ। ओम शांति।